भारत सरकार की, क्योंकि भारत सरकार इस पूरे मामले पर गहरी नजर रखे हुए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर वजारत खारजा की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी ईरान इसराइल के बीच जंग शुरू होने की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसको देखते हुए एडवाइजरी जारी कर दी है। भारत सरकार की तरफ से भारतीय शहरियों के लिए जो ईरान के अंदर है इसराइल के अंदर है उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और यह साफ कर दिया कि ईरान ने जिस तरीके से मिसाइल अटैक इसराइल पर किया है इसका रद्दअमल भी होगा। ताहम जो शहरी इस वक्त इन दोनों मुल्कों के अंदर है, ईरान के अंदर है इसराइल के अंदर है, वो तमाम तर एहतियात बरोए कार लाए। जितने भी भारतीय इस वक्त इसराइल के अंदर है उन्हें एडवाइस किया गया है, उन्हें हुक्म दिया गया है, उन्हें ये एडवाइजरी दे दी गई है कि वो एहतियात बरते और तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो है और जो मकामी तौर पर एडवाइजरियां जारी की जाएंगी इसराइल की तरफ से उन पर मिन्नो अन अमल करें। भारत की तरफ से रात देर गए ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ये एडवाइजरी इंतहाई अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि ईरान और इसराइल के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो सामने ये दिखा रही है कि आने वाले चंद घंटों के अंदर अंदर मजीद सूरत हाल अबतर होगी, क्योंकि IDF के सुप्रीम कमांडर का बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि तेहरान को इसका खमियाजा भुगतना होगा। और इस सूरत हाल के बीच जो एडवाइजरी जारी कर दी गई है उसमें साफ कर दिया गया कि अगर कोई भी मदद ज़रूरत हो को तो एक वेबसाइट www.oref.org.il/ENG पर राबता किया जा सकता है या 24/7 हेल्पलाइन जो एम्बेसी के अंदर है तेल अवीव के अंदर उस पर भी राबता किया जा सकता है या ईमेल जो कौंसुलेट जनरल है तेल अवीव के अंदर उनसे भी राबता बराह रास्त किया जा सकता है। अगर किसी इमदाद या मदद की ज़रूरत भारतीय शहरी को पड़े तो ये एडवाइजरी भारत की तरफ से जारी कर दी गई है।